हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। तो गाइस, आज हम देखेंगे कि किसी भी एचयूएफ का जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप मैं लाइव डेमो आप लोगों को देने वाली हूँ। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि किसी भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है। ठीक है जी, आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए gst.gov.in पे आ जाना है। यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए सर्विसेज पे जाएंगे। यहाँ से आप आएंगे रजिस्ट्रेशन पर और न्यू रजिस्ट्रेशन पे टिक करेंगे। सर्विसेज रजिस्ट्रेशन देन न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी, यहाँ आने के बाद देखिए स्क्रीन आप लोगों के पास ओपन हो जाएगी। यहाँ ये स्क्रीन थोड़ा टाइम ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन ही रहने देना है। यहाँ आपने, यहाँ देखिए, यहाँ सिलेक्ट करना है आपने कि आप कौन है। क्या आप टैक्स पेयर हैं, डिडक्टर हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं, एनआरटीपी हैं। इनमें से जो भी आपके जो पर्सन है, क्लाइंट है, उनका नेचर वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपने वैसे क्या सिलेक्ट करना है, टैक्स पेयर, क्योंकि टैक्स डिडक्टर के तौर पर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, एचईएफ का टैक्स पेयर के तौर पर कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे आपका कौन सा स्टेट है, वो स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। मेरे केस में मैंने हरियाणा को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो भी डिस्ट्रिक्ट उस पर्सन की है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। अब नेक्स्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन्ड इन पैन। देखिए, जो भी एचयूएफ का यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पैन आया होगा, उस पैन के अंदर जो भी उस एचयूएफ का नाम लिखा है वो नाम आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक है, जो बिजनेस का, कई लोग गलती कर देते हैं, वो बिजनेस का नाम सोच लेते हैं, इसको ये बिजनेस का नाम नहीं है, ये एज पर पैन जो आपने नाम रखा हुआ है। अगर इंडिविजुअल होता तो हम इंडिविजुअल का नाम यहाँ लिखते हैं, लेकिन अब यहाँ पे एचयूएफ का नाम लिखेंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपने परमानेंट अकाउंट नंबर लिख देना है, आपका जो भी अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे आप लिखेंगे, पैन डालेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपनी मेल आईडी दे देनी है, फोन नंबर दे देना है। इसके बाद कैप्चा आप यहाँ पे डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए, जैसे ही आपने प्रोसीड के बटन पे क्लिक किया, आपके पास ये वाली जो विंडो है ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने क्या करना है, मोबाइल ओटीपी और मेल का ओटीपी एंटर करना है। जो भी आपने लास्ट पेज पे मोबाइल नंबर लिखा होगा या मेल आईडी लिखी होगी, उसके ऊपर आपके पास एक ओटीपी जाएगा। दोनों ओटीपी आपने यहाँ एंटर कर देने हैं, और ओटीपी एंटर करने के बाद आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास देखिए ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ से आपके पास क्या जनरेट होगा, एक टीआरएन। टीआरएन यानी कि टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। ठीक है जी, ये टेम्परेरी रेफरेंस नंबर आपको सेव करके रख लेना है। इसको हम अलग से सेव करके रख लेंगे, और इसके थ्रू आगे हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आप बाद में भी इस टीआरएन को यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रोसीड करेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। यहाँ आप टीआरएन डालेंगे। ठीक है, जो आपका टीआरएन आया था, यहां से अगर आपको बाय चांस मिस भी हो जाता है तो ये टीआरएन आपके पास मेल पे भी जाएगा, और ये टीआरएन आपके मोबाइल नंबर पे भी जाएगा। ठीक है जी, आपने अपनी मेल से उस टीआरएन को यहाँ डालना है, ये कैप्चा आपने डालना है, और उसके बाद प्रोसीड के बटन पे आप लोग क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। प्रोसीड के बटन पे टिक करते ही फिर से आप लोगों के पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आपने यहाँ एंटर कर देना है। ध्यान रखिएगा, ये सेम ओटीपी आपके पास मेल पे भी गया होगा, और सेम ओटीपी आपके पास फोन पे भी गया होगा। ओटीपी एंटर करेंगे। देन प्रोसीड कर देंगे। उसके बाद देखिए, जो एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है जीएसटी की। यहां से हमने एडिट के बटन पे टिक करना है। एडिट के बटन पे टिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसका जो ट्रेड नेम है, जो भी आप इसका ट्रेड नेम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे एंटर करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस आपने यहाँ पे एंटर करना है। हमारे केस में क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ट्रेड नेम आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। अगर आपके एचयूएफ सीटीपी है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। वैसे मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की अलग से भी एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, और कॉम्पोजिशन अगर आपने ऑप्ट करनी है तो
तो आपने यहाँ पे टिक कर देना है। कॉम्पोजिशन में अलग से कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको क्या करना होता है, अगर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के तौर पे आपने रजिस्टर करना है तो यहाँ टिक करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपसे ये पूछ रहा है कि आपका रीजन क्या है रजिस्ट्रेशन लेने का। देखिए आपका जो भी रीजन है, अगर आपकी जो लिमिट है मिनिमम टर्नओवर की वो क्रॉस हो चुकी है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। इंटर स्टेट सप्लाई यानी आपको अपने स्टेट के बाहर सप्लाई करनी पड़ रही है तो यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है। लाइबिलिटी टू पे एज अ रिसिपियंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज यानी रिवर्स चार्ज के अंदर आपको कोई पेमेंट करनी पड़ती है तो यहाँ टिक करेंगे। ट्रांसफर सक्सेशन की वजह से अगर आपको करना पड़ रहा है तो यहाँ पे टिक करेंगे। अगर आप डी मर्जर की वजह से कर रहे हैं तो यहाँ टिक करेंगे। ये अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए हैं, मैं वॉलेंटरली बेसिस पे टिक कर देती हूँ, ठीक है जी। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जो भी आपकी डेट ऑफ कमेंसमेंट है वो यहाँ पे टिक कर दीजिए, किस डेट से आपने बिजनेस जो है अपना वो स्टार्ट किया है। अगर ऑलरेडी आपके पास कोई भी रजिस्ट्रेशन हैं, जैसे कोई भी आपके पास जीएसटी नंबर है ऑलरेडी, कोई भी टेम्पररी आईडी अलग से आपने ले रखी है सेंट्रल सेल्स टैक्स का, कोई भी आपने जैसे सर्विस टैक्स का इंपोर्टर एक्सपोर्टर, कोई अलग से एंट्री रजिस्ट्रेशन नंबर आपने लिया, एंट्री टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, इनमें से कोई भी ऑलरेडी लाइसेंस आपके पास है, जैसे होटल के पास होटल एंड लग्जरी टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, सिन नंबर, ये सिन नंबर कंपनीज के केस में जरूरी है लेकिन आप क्या हैं एचयूएफ हैं, आपको ये नहीं करना यहाँ पे। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अगर आपकी है तो उसका रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे कॉपी लगाएंगे, तो ये सब कुछ आपने यहाँ पे देख लेना है। अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन आपके पास है, जैसे शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ टिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालेंगे और इसको यहाँ से ऐड कर देंगे, ठीक है। ये सब करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे टिक कर लेना है। जब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए ये वाला पेज आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। इस पेज के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको फुलफिल करनी है। यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है सेकंड पेज पे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसकी, कर्ता की। देखिए एचयूएफ क्या होता है आप सभी को पता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर जो मेन की पर्सन होता है वो कौन होता है, कर्ता, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ कंपनी के अंदर एक डायरेक्टर होता है जिसको हम साइनिंग अथॉरिटी देते हैं, या फिर कोई भी फर्म होता है फर्म में एक डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है, तो इसके अंदर जो डेजिग्नेटेड जो पर्सन होगा वो कौन होगा, कर्ता होगा। कर्ता की आपको यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है। लेकिन कई बार लोग क्या कहते हैं कि मैम हमें कर्ता को साइनिंग अथॉरिटी नहीं रखना, किसी और को रखना है, साइनिंग जो है वो कोई और करेगा। तो साइनिंग भी कोई और कर सकता है, वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कर्ता की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको डालनी है। देखिए यहाँ पे आप क्या डालेंगे, नेम ऑफ द पर्सन, फर्स्ट नेम उसका एंटर करेंगे, मिडल नेम एंटर करेंगे, लास्ट नेम एंटर करेंगे। बाय चांस मिडल नेम नहीं है, जैसे दीपक कुमार नाम है तो दीपक यहाँ आएगा, कुमार यहाँ आएगा, ठीक है। और अगर उसके तीन नाम है जैसे राम मेहर सिंह इस टाइप से, तो राम मेहर यहाँ पे और सिंह यहाँ पे, इस तरीके से आपने एंटर कर देना है। फादर नेम उस पर्सन का एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालेंगे, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, जेंडर यहाँ से पर्सन का सिलेक्ट कर लेंगे, डेजिग्नेशन यानी कि उस पर्सन की डेजिग्नेशन क्या है, ऑलरेडी वी नो दैट द डेजिग्नेशन ऑफ पर्सन इज कर्ता, ठीक है। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ये कंपनीज के केस में एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे आपने परमानेंट अकाउंट नंबर डाल देना है उस पर्सन का, किसका, कर्ता का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम एड्रेस जो है रेजिडेंशियल एड्रेस उसका लोकेट करेंगे इस मैप पे, आपने यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस डाल भी देना है। जब आप मैप पे यहाँ लोकेट करेंगे तो ऑलरेडी ये जो चीज़ें हैं ये फुलफिल हो जाएंगी ऑलमोस्ट, बाय चांस इसमें कुछ रह जाता है तो वो आप खुद से एडिट कर लेना, जैसे फ्लैट नंबर वगैरह उसमें खुद से आप एडिट कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपने यहाँ से जो भी एड्रेस है वो लोकेट करना है मैप पे, ऑलरेडी यहाँ पे जो डाटा है वो आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, कर्ता की एक पिक्चर अपलोड कर देनी है, ठीक है। यहाँ तक अपलोड करने के बाद देखिए अगर साइनिंग अथॉरिटी आपने इसी पर्सन को बनाना है तो यहाँ पे यस पे टिक कर दीजिए, साइनिंग अथॉरिटी इसी पर्सन को बनाना है तो यस पे टिक कर दीजिए, अदरवाइज नो पे टिक करके आप सेव एंड कॉन्टिन्यू करेंगे, ठीक है। सेव एंड कॉन्टिन्यू करने के बाद हमारी जो ये टैब है ये कौन सी ओपन हो जाएगी, ये वाली ऑथोराइज सिग्नेटरी वाली। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एज इट इज ये जो इन्फॉर्मेशन है ऑथोराइज सिग्नेटरी की फिल करेंगे। मेरी बात समझ में आई, यानी कि ऑथोराइज सिग्नेटरी कर्ता के अलावा आप किसी और को भी रख सकते हैं, लेकिन कर्ता की इन्फॉर्मेशन देनी
जरूरी है। यहां से अगर मैं यस पे टिक करूंगी तो वो वाली टैब ओपन ही नहीं होगी, हम सीधा आगे चले जाएंगे। यहां आप नो पे टिक करेंगे तो ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी की टैब ओपन हो जाएगी, फिर आपको उसकी इंफॉर्मेशन फुलफिल करनी है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जा पाएंगे। ठीक है जी, तो ये हम इंफॉर्मेशन फुलफिल करके कहां टिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पर। मैं यहां पे ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी पे टिक नहीं कर रही हूं, बाकी आपको दिखाने के लिए बट टिक कर देती हूं, और सेव एंड कंटिन्यू पे हम जाएंगे इसके बाद, ताकि आपको पता चल जाए ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी का डाटा किस तरीके से फुलफिल होना है। देखिए नेक्स्ट पेज पे हम आ गए हैं। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे प्राइमरी ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी की डिटेल डाल देनी है, यहाँ हम टिक करेंगे, और यहाँ पे प्राइमरी ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी जो पर्सन है उसकी आप कंप्लीट डिटेल एंटर कर देंगे। ठीक है जी, एंटर करने के बाद आप यहाँ पे उसका प्रूफ लगाएंगे, जो भी लेटर ऑफ ऑथराइजेशन है वो आप यहाँ पे लगाएंगे, यानी एक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन बनाएंगे जिसके अंदर सभी मेंबर्स जो है वो साइन करके देंगे कि ये जो करता है या अदर जो भी पर्सन आप बना रहे हैं जिसको ऑथराइज सिग्नेटरी, कि ये पर्सन ऑथराइज सिग्नेटरी के तौर पे काम कर सकता है, हमें इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इवन कर्ता के केस में भी आपको ये लगाना है। कर्ता के केस में कैसे लगेगा ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए अगर आपने पीछे टिक किया होगा उस साइन पे, अगर यहाँ पीछे आप टिक करते तो और सेव एंड कंटिन्यू करते तो यहाँ पे आपके पास क्या था, ऑलरेडी जो करता है करता की सारी डिटेल फुलफिल होकर के आ जाती, और यहाँ पे लास्ट में आपसे जो है वो डॉक्यूमेंट्स मांग लेता ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी के, लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन करता की अगर आप सेम रखते हैं यहाँ पे ऑथोराइज सिग्नेटरी करता को, तो भी ये मांगेगा। यहाँ से आपने चूज करके जो फाइल है फाइल लगा देनी है। ठीक है जी, ये मैंडेटरी है, इसके बगैर ये आगे नहीं जाएगा पेज, ध्यान रखिएगा। अगर आप अपने किसी ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल देना चाहें तो वो भी यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन जनरली यहाँ पे कोई प्रोवाइड नहीं करता है। अगर आप प्रोवाइड करना चाहें तो अपने जीएसटी प्रैक्टिशनर या अदर जो आपका ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है उसके यहाँ पे डिटेल एंटर कर देंगे। ठीक है, हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, हम यहाँ पे डिटेल कुछ नहीं देंगे, और इसको हम एनेबल ना करते हुए कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास देखिए डिटेल आ जाएगी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की। आपने यहाँ से मैप के ऊपर भी अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो लोकेट कर देना है। इधर आपने अपना एड्रेस प्रॉपरली चेक कर लेना है, अपडेट कर लेना है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी एड्रेस होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी ज्यूरिडिक्शन, यहाँ पे स्टेट ज्यूरिडिक्शन आ जाएगी। कमिश्नरेट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ऐसे ही कोई भी एड्रेस डाल देती हूँ। आपको वैसे एग्जैक्ट एड्रेस लेना है, मैं यहाँ पे एग्जैक्ट एड्रेस नहीं ले रही हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने एड्रेस लिया है। यहाँ पे देखिए इसके अकॉर्डिंग आपके पास वार्ड आ जाएंगे। कमिश्नरेट आपको सिलेक्ट कर लेना है, डिवीजन आपको सिलेक्ट कर लेनी है, रेंज आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है जी, नेक्स्ट आप यहाँ पे नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमाइसेस सिलेक्ट करेंगे, क्या प्रीमाइसेस आपकी खुद की हैं। अगर खुद की हैं तो यहाँ पे आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल या लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, या म्यूनिसिपल खाता कॉपी, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, कुछ भी यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, और अगर आपका रेंटेड है, रेंटेड के केस में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लगाना है, और साथ ही साथ कोई ओनरशिप प्रूफ भी लगाना है, रेंट एग्रीमेंट भी लगाना है। ओनरशिप प्रूफ में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, प्रॉपर्टी की टैक्स रिसीट्स या म्यूनिसिपल खाता कॉपी, यानी दो चीज़ें रेंटेड के बेस में लगानी ज़रूरी है। दो चीज़ें कौन सी, रेंट एग्रीमेंट और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह भी लगाना है। और NOC जो है, अब कई बार जो ऑफिसर है वो मांग लेता है, तो रेंट रिसीट के साथ आप ध्यान रखिएगा NOC लेना मत भूलना सामने वाले पर्सन से। ठीक है, अगर आपने रेंट एग्रीमेंट बनवाया है तो साथ ही साथ आप NOC पे साइन करवा लेना कि मैं यहाँ पे इस टाइप का बिजनेस कर रहा हूँ आपके प्रीमाइसेस में, तो आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। तो इस टाइप से एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवा के आप साइन करवा लीजिएगा। उसके बाद आपने जिस टाइप का काम वहाँ पे करना है उसे आप चूज कर लेंगे, जो भी आप वहाँ पे काम करना चाहते हैं, जैसे रिटेल एक्टिविटीज करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन का या फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, बॉन्डेड वेयर हाउस, जो जो आपको काम करने हैं वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेने हैं। एक से ज्यादा काम भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। अगर इसके अलावा कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है आपका तो यहाँ पे आप टिक करेंगे और नेक्स्ट जो पेज ओपन होगा वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का ओपन हो जाएगा। वहाँ आपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल भी डाल देनी है अगर कोई ब्रांच है तो। हमारे केस में कोई ब्रांच नहीं है, हम एज इट इज इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास HSN कोड की डिटेल्स आ जाएंगी कि आपने जिस जिस गुड्स का या सर्विसेज का लेन देन करना है उनका HSN कोड और सर्विसेज के केस में क्या होता है SAC कोड, वो यहाँ पे एंटर करना है। आप अपनी गुड्स का HSN कोड जो है वो गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने अपने केस में इलेक्ट्रिकल जो गुड्स हैं या फिर मिनरल फ्यूल्स, मिनरल ऑयल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर डिस्टिलेशन बिटुमिन सब्सटेंसेस, इसका जो काम करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड काम करना है, मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ। और अगर आप इसके अलावा भी कोई काम करना चाहते हैं, एक से ज़्यादा HSN कोड दिखाना चाहते हैं, वो भी यहाँ दिखा सकते हैं। सर्विसेज अगर आपको देनी है तो सर्विसेज के SAC कोड आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं और कम से कम एक कोड आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, चाहे सर्विसेज का चाहे गुड्स का, अदरवाइज ये आपको आगे कंटिन्यू नहीं करने देगा, ठीक है जी। कम से कम एक आपको डीलिंग बतानी जरूरी है कि आप गुड्स में या सर्विसेज में किस चीज में डील कर रहे हैं। यहाँ पे आपसे स्टेट स्पेसिफिक कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा, ये जरूरी नहीं है बतानी, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं और चाहें तो बता सकते हैं कि प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉई कोड नंबर अगर आपके पास है, स्टेट एक्साइज लाइसेंस का कोई नंबर आपके पास है, या नेम ऑफ द पर्सन इन हुज नेम एक्साइज लाइसेंस जो आपने लिया हुआ है वो किसके नाम पे लिया हुआ है, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर आपको बताना है। इसके बाद आधार वेरिफिकेशन वाले पेज पे हम आ जाएंगे। आपने यहाँ पे क्या करना है, कंटिन्यू पे टिक कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू पे डायरेक्ट और कुछ नहीं करना। सेव एंड कंटिन्यू पे टिक करते ही आपके आधार वाले नंबर पे एक OTP चला जाएगा, आपने यहाँ से टिक करना है, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी को सिलेक्ट करना है, प्लेस यहाँ डालेंगे। प्लेस डालते ही देखिए यहाँ पे EBC का बटन एनेबल हो गया, आपने इस पे टिक करना है और जो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है उसके आधार से लिंक्ड जो नंबर है उस पर OTP जाएगा। OTP एंटर करते ही ये एप्लीकेशन आपकी फाइल हो जाएगी। फाइल होने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर से आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका GST रजिस्ट्रेशन जो है उसकी किस प्रोसेस पे है, किस स्टेज पे है। तो गाइज मैंने कोशिश की कि मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको GST रजिस्ट्रेशन बता पाऊँ HUF का, और बहुत जल्द मैं आपको पार्टनरशिप फर्म का भी GST रजिस्ट्रेशन बताऊंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।